नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में कितना खर्चा आता है। पहले तो मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड को थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, ये हमने 1065 स्क्वायर फीट में कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें आपको 5 दुकान नीचे मिलेगी और 5 दुकान ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो 1065 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है, दो फ्लोर हमारे हो गए तो टोटल हो जाता है हमारा 2130 स्क्वायर फीट का एरिया। अभी ये सारी डिटेल्स मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अगर आप भी दोस्तों, अगर 1000 स्क्वायर फीट के आसपास के एरिया में अगर शॉप्स या कॉम्प्लेक्स बनाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमको एक रफ एस्टीमेट का आइडिया लग जाए कि कितना खर्चा हमको इसमें आ सकता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में अभी 2023 में कितना खर्चा आता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो आज शॉपिंग मॉल की बात करने वाले हैं, उसका जो हमारा एरिया है वो है दोस्तों 1065 स्क्वायर फीट। तो उसका प्लेंथ एरिया है, ठीक है, दो फ्लोर इसमें हमारे थे तो टोटल एरिया जो बिल्टअप एरिया इसका बना, वो बना हमारा कितना, 2130 स्क्वायर फीट। तो 2130 स्क्वायर फीट की इस बिल्डिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपको करवाना पड़ेगी वो करवाना पड़ेगी अपनी बिल्डिंग की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। देखिए, एरिया हो रहा है हमारा 2130 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर फीट है यहाँ पे 2130 स्क्वायर फीट। कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट आपसे प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का जो चार्ज करता है वो करता है लगभग 15 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये मिनिमम चार्ज है। देखिए, फिर बाकी उनके एक्सपीरियंस वगैरह पर डिपेंड करता है, वो 20 रुपये भी ले सकते हैं, 25 रुपये भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस पे और आपकी सिटी टू सिटी भी ये रेट वेरी कर जाते हैं। ठीक है, तो 15 रुपये के हिसाब से भी अगर हम देखें तो प्लानिंग और डिज़ाइनिंग का जो हमारा चार्ज बनता है वो बनता है 31,950 रुपये। इसमें जो है वो आपको आपके बिल्डिंग का 2D प्लान, 3D फ्रंट एलिवेशन जैसा आपको इमेज में दिख रहा है वैसा, और आपके बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स यानी कि आपके कॉलम लेआउट, फुटिंग लेआउट, ठीक है, फाउंडेशन की डिटेल, कॉलम की सारी डिटेल, सरिया वगैरह इसका, प्लिंथ बीम की डिटेल, स्लैब बीम की डिटेल, फिर इसके साथ में आपकी जो वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं जैसे कि डोर विंडो का लेआउट, डोर विंडो के साइज़ वगैरह, सारी डिटेल उसमें आ जाती है। तो इसको हो गया आपका 31,950 रुपये। दोस्तों, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन अब करवा रहे हैं और अभी तक आपने प्लानिंग और डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है, तो दोस्तों आप लोग हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे इंडिया में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्क्रीन पर मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है, आप लोगों को रेट वगैरह भी इसमें दिख जाएंगे। बाकी आप लोग अपने घर के एरिया के हिसाब से रेट अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यानी कि जो जो चीज़ें आप घर में चाहते हैं वो बता के आप अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग अपनी इच्छा के हिसाब से बिल्कुल मिनिमम रेट, देखिए कितना कम रेट आपको नज़र आ रहा होगा इसमें, तो आप इस रेट में बिल्कुल अपने घर की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। चलिए, ये तो हुई प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की बात, स्क्रीन पर नंबर आपके है, आप जब भी चाहें इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, सबसे पहले आपको करवाना होगा फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई। तो अभी हमने रिसेंट में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम पूरा किया है, इसमें दोस्तों हमारी जो खुदाई की क्वांटिटी बनी वो बनी 2100 क्यूबिक फिट और खुदाई करवाने का रेट पड़ा हमको 8 रुपये पर क्यूबिक फिट। तो इस तरह से 16,800 रुपये लगा हमारा खुदाई करवाने में। फिर दोस्तों, खुदाई के बाद में बारी आती है प्लिंथ फिलिंग की। आप लोग जब ये यहाँ पे देखिए, आपको प्लिंथ बीम नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से जब प्लिंथ बीम डाल देंगे तो आपको ये मुरम की फिलिंग करना होगी इसमें। तो फिलिंग की क्वांटिटी बनी दोस्तों हमारी 3000 क्यूबिक फिट, रेट पड़ा हमको इसका 12 रुपये पर क्यूबिक फिट। तो इस तरह से दोस्तों फिलिंग का जो कॉस्ट हुआ हमारा वो हुआ 36,000 रुपये। फिर दोस्तों फिलिंग के बाद बारी आती है सीमेंट की। तो देखिए, टोटल 600 बैग सीमेंट इसमें हमको लगा, एक बैग का रेट पड़ा हमको 440 रुपये। तो इस तरह से 264,000 रुपये का सीमेंट हो गया हमारा। फिर दोस्तों सीमेंट के बाद आता है हमारा स्टील। तो देखिए, टोटल 6,000 kg यानी कि 6 मेट्रिक टन स्टील हमको इसमें लगा, रेट पड़ा स्टील का हमको 60 रुपये पर kg। तो इस तरह से 360,000 रुपये का स्टील हो गया हमारा। फिर आती है बारी दोस्तों सैंड की। तो 4,500 क्यूबिक फिट सैंड लगी टोटल हमको, सैंड का रेट पड़ा हमको 65 रुपये पर क्यूबिक फिट।
तो इस तरह से 2,92,500 रुपये की टोटल सेंड हो गई हमारी। सेंड के बाद बारी आती है दोस्तों एग्रीगेट की, यानी कि गिट्टी की। तो देखिए टोटल 4,000 क्यूबिक फिट एग्रीगेट इसमें हमको लगा और रेट पड़ा हमको एग्रीगेट का 50 रुपये पर क्यूबिक फिट। तो इस तरह से 2,000 रुपये 2,00,000 रुपये का हमारा एग्रीगेट हो गया। फिर बारी आती है दोस्तों रेड ब्रिक की। तो देखिए टोटल 40,000 ब्रिक लगी हमको इसमें, ठीक है। इसमें आपका जो है ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स, फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स, टेरेस पे आपकी जो पैराफेट वॉल बनेगी वो, ठीक है, और जो आपका स्टेयर केस बनाएंगे आप, ठीक है ना, जो सीढ़ियाँ वगैरह बनाएंगे उसमें भी आपकी ब्रिक यूज़ होगी, ये सभी काम इसमें आपके हो जाएंगे। तो देखिए 40,000 ब्रिक टोटल हमको लगी, एक ब्रिक का रेट पड़ा हमको 12 रुपये। तो इस तरह से 4,80,000 रुपये की रेड ब्रिक हो गई हमारी। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है इसका लेबर रेट। तो देखिए 1,065 स्क्वायर फिट एरिया नीचे का और उतना ही ऊपर का, तो डबल हो जाएगा ये, तो हमारा 2,130 स्क्वायर फिट टोटल एरिया हुआ। लेबर रेट पड़ा दोस्तों हमको 280 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो इस तरह से 5,96,400 रुपये का लेबर रेट हो गया हमारा। फिर दोस्तों फ्लोरिंग में हमने इसमें सिंपल कोटा स्टोन लगवाया था, ठीक है। तो कोटा स्टोन हमको टोटल पड़ा 1,500 स्क्वायर फिट और रेट पड़ा कोटा स्टोन का 40 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो इस तरह से 60,000 रुपये का कोटा स्टोन हो गया हमारा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा फिटिंग का चार्ज। जो भी आप कोटा स्टोन लगवाएं, चाहे आप टाइल भी अगर लगवाएंगे, देखिए टाइल अगर आप लगवाएंगे तो आपको मटेरियल का रेट पड़ेगा 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फिट के आसपास में, अच्छी वाली टाइल आ जाएगी आपकी विट्रीफाइड। बाकी आप कोटा स्टोन लगा लेते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि थोड़ा सा रफ़ यूज़ भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2,000 स्क्वायर फिट हमारा टोटल टाइल की क्वांटिटी बनी और रेट पड़ा फिटिंग का हमको 15 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो इस तरह से 30,000 रुपये लगा हमको टाइल फिटिंग करवाने में। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा रोलिंग शटर। भाई शॉप्स बन रही है, शटर हम लगाएंगे सभी दुकानों में, तो 10 शटर टोटल लगे हमारे, क्योंकि 5 दुकान हमारी नीचे थी और 5 दुकान हमारी ऊपर थी। 15,000 का एक शटर पड़ा हमको। तो इस तरह से 1,50,000 रुपये के सारे रोलिंग शटर मिला के हो गया हमारा। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है वॉल पेंट। तो देखिए वॉल पेंट में टोटल हमको 1,20,000 रुपये का लमसम अमाउंट लगा। वॉल पेंट के बाद बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इसमें टोटल हमारा 1,00,000 रुपये का खर्चा हुआ। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद दोस्तों कुछ दुकान में हमने प्लम्बिंग का काम करवाया, ठीक है, पानी का पॉइंट तो सबको ही दिया है, तो उसमें हमारा 1,30,000 रुपये का टोटल खर्च आया। प्लम्बिंग के बाद में बात करें दोस्तों टोटल कॉस्ट की अगर इसके, तो आप जब इन सभी कॉस्ट को टोटल करेंगे तो इसका जो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा आपका 28,35,700 रुपये, जिसमें आपका एक 1,065 का G+1 का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में 2023 में कितना खर्चा आता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।